हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोकन अकेडमी आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम इतिहास के एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और टॉपिक है हमारा द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण, इसको महाजनपद काल भी बोला जाता है। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण और महाजनपद काल, इसके बारे में देखते हैं। तो द्वितीय नगरीकरण के बारे में सबसे पहले हम इस समय की जो प्रमुख विशेषताएं हैं या जो परिस्थितियां हैं उनको समझते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां उस समय उद्भव होती हैं जिनके कारण द्वितीय नगरीकरण का जन्म होता है या द्वितीय नगरीकरण का विकास होता है, उसको समझेंगे। फिर जो इस द्वितीय नगरीकरण के अंतर जो विशेषताएं हमारे सामने आती हैं उनको समझेंगे, यानी हम परिस्थितियां देखेंगे कि किन परिस्थितियों को आधार बनाकर के द्वितीय नगरीकरण का विकास होता है। और फिर हम जो इस समय की मुख्य विशेषताएं हैं उसको देखेंगे। विशेषताओं के तौर पर जैसे मान लीजिए कि इस समय विभिन्न श्रेणी संगठनों का विकास होता है, व्यापार वाणिज्य का विकास होता है, सिक्के, यानी इस समय सिक्के प्रचलित हो जाते हैं जिसके कारण द्वितीय नगरीकरण के विकास में इनका काफी योगदान रहता है। और उसके बाद हम देखेंगे जो महाजनपद बनते हैं इस समय द्वितीय नगरीकरण के दौरान, जो 16 महाजनपदों का जो विकास होता है उसको समझेंगे। तो यहां हम देखेंगे 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपदों के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इनकी स्थिति क्या थी, इनकी राजधानी क्या थी, यहां के जो प्रमुख शासक हैं उनको देखेंगे, और हमें अगर यहां से कुछ प्राप्तियां हुई है या कुछ विशेष मिला है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अंत में हम देखेंगे इन 16 महाजनपदों में हमें कुछ विशेष या कुछ प्राप्त हो रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा टॉपिक है द्वितीय नगरीकरण या महाजनपद काल। ये जो महाजनपद काल है इसका विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास होता है। तो इसका विकास कब हो रहा है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, यानी जो उत्तर वैदिक काल है उसकी समाप्ति हो रही है, और उसी के दौरान जो उत्तर वैदिक काल में जो छोटे छोटे जनपद पूर्व वैदिक काल में जो छोटे छोटे जनपद थे वो उत्तर वैदिक काल में बड़े जनपद बन गए, और वहीं से अब क्या होगा, बड़े बड़े महाजनपदों का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी का हम द्वितीय नगरीकरण या महाजनपद काल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो परिस्थितियां या जो प्रमुख बिंदु है जिनके कारण या जिनको आधार बनाकर के द्वितीय नगरीकरण का विकास होता है उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं परिस्थितियां या फिर प्रमुख बिंदु जिनको आधार बना करके द्वितीय नगरीकरण का विकास होता है, ठीक है, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिनको आधार बना करके नगरीकरण का विकास हो रहा है।
इसको द्वितीय नगरीकरण बोलने का कारण यह है कि इससे पहले भी एक चरण ऐसा आता है प्राचीन भारतीय इतिहास में जहां भी हमें नगरीकरण देखने को मिलता है, और वो समय कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता वाला, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम पढ़ चुके हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनूदड़ो, लोथल, ये बहुत सारे नगर हमें देखने को मिलते हैं जो व्यवस्थित थे, उनका सुदृढ़ नगरीकरण हो चुका था, वहाँ हमें नालियाँ देखने को मिलती हैं, व्यवस्थित घर देखने को मिलते हैं, घरों में कुएं देखने को मिलते हैं, व्यवस्थित जल निकास प्रणाली हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, सड़कें देखने को मिलती हैं। तो ये इस कारण से प्रथम जो नगरीकरण है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है, और द्वितीय नगरीकरण हम अभी जो अध्ययन कर रहे हैं वो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो इस समय जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में अगर बात करें तो एक पुरातत्वविद है गार्डन चाइल्ड। ये जो गार्डन चाइल्ड हैं, इन्होंने 10 बिंदु बताए हैं जिनके आधार पर नगरीकरण का विकास होता है। यानी जब ये 10 बिंदु मिलते हैं या 10 बिंदु जो इन्होंने बताए हैं, अगर ये जहां पर दिखाई दें तो इसका मतलब है कि वहां पर नगरीकरण का विकास होगा, या इन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो नगरीकरण हुआ उस समय का अध्ययन किया और इन्होंने पाया कि यहाँ पर लगभग 10 बिंदु देखने को मिलते हैं जिनके आधार पर नगरीकरण का विकास होता है। अब इनकी एक पुस्तक है अर्बन रिवॉल्यूशन, अर्बन रिवॉल्यूशन की पुस्तक है, इसमें ये 10 बिंदु इन्होंने बताए हैं जो नगरीकरण में सहायक हैं। तो इन 10 बिंदुओं के बारे में अगर हम बात करें तो ये मोटे तौर पर जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम देख लेते हैं। एक तो क्या है कि इस समय शासक वर्ग का उदय होता है, शासक वर्ग का उदय। हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा कि उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद का विकास होता है, और वहां पर क्या है, राजा की उत्पत्ति हो रही है, राजा को अधिकार दिए जा रहे हैं, उसको नियमित कर दिया जा रहा है, उसके पास में एक सेना है, उसकी मंत्री परिषद है। तो ये चीजें आगे जाकर के क्या है, विकसित होंगी, और वो क्या करेंगी फिर महाजनपद काल में या द्वितीय नगरीकरण में सहायक सिद्ध होंगी। तो यहां पर एक पॉइंट तो क्या दिया गया है, शासक वर्ग का उदय जो महाजनपद काल के विकास में सहायक है। दूसरा जो बिंदु है वो है धर्म का प्रचलन, धर्म का प्रचलन एवं धार्मिक स्थलों का निर्माण। इस समय एक तो क्या होता है, धर्म का प्रचलन होता है और जो धार्मिक स्थल हैं उनका भी निर्माण होने लग जाता है। ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक जैसे मंदिर वगैरह की संरचना बनने लग जाती है या फिर और धार्मिक स्थल टाइप का कुछ बनने लग जाता है, तो वो कहीं ना कहीं नगरीकरण में सहायक होता है, और वो भी महाजनपद काल के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। एक जो और महत्वपूर्ण बिंदु है वो है मुद्रा का प्रचलन। ये काफी महत्वपूर्ण है, मुद्रा का प्रचलन होगा क्या कि उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की जानकारी होती है गंगा के मैदानों में, और उस लोहे की जानकारी से क्या होगा, कृषि कार्य है वो बड़े स्तर पर होने लग जाएगा। और अब कृषि कार्य जब बड़े स्तर पर होने लग जाएगा तो जो कृषि अधिशेष है उसकी प्राप्ति होने लग जाएगी, और कृषि अधिशेष की प्राप्ति होने लग जाएगी तो फिर व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, और व्यापार वाणिज्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कहीं ना कहीं हमें मुद्रा की जरूरत पड़ती है,
और ये इस समय एक महत्वपूर्ण घटना इसको कह सकते हैं या क्रांति के तौर पर ले सकते हैं इसको, कि इस समय मुद्रा का प्रचलन हो रहा है जो व्यापार वाणिज्य को गति प्रदान करेगा, और ये भी कहीं ना कहीं हमें द्वितीय नगरीकरण में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में सहायक सिद्ध होगा। मुद्रा का प्रचलन हो रहा है तो इसी के साथ साथ में फिर क्या होगा, व्यापार वाणिज्य का विकास होगा, व्यापार वाणिज्य का विकास, और यह भी क्या है द्वितीय नगरीकरण में एक महत्वपूर्ण सहायक बिंदु होगा। और इसी के साथ साथ में इस समय लेखन कला का विकास होगा, लेखन कला का विकास, और एक और बिंदु है इसी समय व्यवस्थित कर व्यवस्था का विकास होगा। तो गार्डन चाइल्ड ने जो 10 बिंदु दिए थे अर्बन रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक में, उसमें से हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लिया है जो द्वितीय नगरीकरण या महाजनपद काल के विकास में सहायक है। और इसके अंतर्गत हमने देखा कि एक तो इस समय जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग का उदय हो रहा है, दूसरा यहां पर क्या है धर्म का प्रचलन, यानी इस समय हमें धर्म का प्रचलन दिखाई दे रहा है, धार्मिक स्थलों का निर्माण इस समय हो रहा है, मुद्रा का प्रचलन इसी समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, मुद्रा का प्रचलन, इसी के साथ साथ में व्यापार वाणिज्य का इस समय विकास हो रहा है, लेखन कला का विकास इस समय हो रहा है, और व्यवस्थित कर प्रणाली इस समय विकसित हो रही है। तो ये जो बिंदु हैं ये कहीं ना कहीं द्वितीय नगरीकरण में सहायक सिद्ध होते हैं और जो नगरीकरण का विकास है उसको गति प्रदान करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कुछ और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या जो द्वितीय नगरीकरण में ज्यादा गति देने वाले बिंदु हैं उनको हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। ये बिंदु है जैसे इस समय एक तो श्रेणी संगठनों का विकास होता है, श्रेणी संगठनों का विकास, इसको हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में। दूसरा है जो व्यापार वाणिज्य होता है इस समय, व्यापार वाणिज्य का विकास, इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। और एक है जो सिक्के इस समय प्रचलित होते हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्रेणी संगठन के बारे में। नंबर एक, श्रेणी संगठन। ये श्रेणी संगठन होता क्या था कि जो व्यवसायी थे इन्होंने अपने व्यापार को गति देने के लिए अपने अपने संगठन बना लिए थे, ठीक है। तो जो व्यवसाय करने वाले थे, व्यवसाय करने वालों ने या व्यापारी वर्ग कह सकते हैं, व्यवसाय करने वालों ने अपने अपने संगठन बना लिए थे, बना लिए, ठीक है। और एक खास बात यह होती थी कि ये जो संगठन होते थे ये अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोगों के होते थे, ठीक है, अलग अलग व्यवसाय करने वाले समूह के अलग अलग संगठन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई सोने का व्यापार कर रहा है तो उसका संगठन होगा, कोई खाद्य सामग्री का व्यापार कर रहा है तो उसका अलग संगठन होगा, कोई गेहूं या किसी जो इस तरह की
वस्तु का व्यापार कर रहे हैं तो उसका अलग संगठन होगा। तो ये क्या है, अलग अलग जो व्यवसाय करने वाले लोग थे उनका अलग अलग संगठन होता था। इनका जो प्रमुख होता था, श्रेणी संगठन का जो प्रमुख होता था, प्रमुख को श्रेष्ठिन कहा जाता था, प्रमुख होता था उसको श्रेष्ठिन कहा जाता था, या कई जगह जेथक शब्द भी मिलता है। ठीक है, यानी व्यापारिक जो श्रेणी होती थी उसके प्रमुख को श्रेष्ठिन कहा जाता था या जेथक कहा जाता था। और एक ये जो व्यापारिक संगठन होते थे या श्रेणी संगठन होते थे, इनके जो व्यापारिक बेड़े जाते थे दूसरी जगह व्यापार करने के लिए, जैसे बंजार लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचने के लिए, तो ये श्रेणियां क्या करती थी, एक शहर से दूसरे शहर में या अलग अलग जगह के ऊपर जाकर के व्यापार करती थी। तो जो व्यापारिक बेड़े का प्रमुख होता था उसको बोला जाता था सार्थवाह, व्यापारिक समूह के प्रमुख को सार्थवाह बोला जाता था। ठीक है, और क्या खास बात है इस श्रेणी संगठन की, कि इन लोगों ने अपने अपने सिक्के, यानी जो श्रेणी होती थी इनको सिक्का डालने का अधिकार भी मिला हुआ था, श्रेणियों को सिक्के डालने का अधिकार प्राप्त था, सिक्का डालने का अधिकार प्राप्त था। और एक ये लोग क्या करते थे कि ब्याज के ऊपर धन देते थे, ब्याज पर धन देने का कार्य भी करते थे, कार्य भी करते थे। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए तो बैंक का कार्य भी करते थे, बैंक का कार्य भी करते थे। ठीक है, तो यहां हमने देखा जो श्रेणी संगठन द्वितीय महायुद्ध काल में हो रहे हैं उनके बारे में, और अंतर्गत हमने देखा कि श्रेणी संगठन होते क्या है। तो श्रेणी संगठन के अंतर्गत हमने देखा कि जो व्यवसाय करने वाले, व्यवसाय करने वाले लोगों का जो समूह होता था या संगठन होता था उसी को क्या बोला जाता था, श्रेणी संगठन। ठीक है, जो ग्रुप बनता था उसको श्रेणी संगठन बोला जाता था। और ये जो संगठन है ये अलग अलग व्यवसाय करने वाले समूह का होता था। ठीक है, अलग अलग व्यवसाय करने वाले समूह को अलग अलग संगठन के नाम से जाना जाता था। जैसे मान लीजिए ये लोग क्या कर रहे हैं, सोने का व्यापार, ये अलग संगठन हो गया। ये लोग हैं जो खाद्यान्न का व्यापार कर रहे हैं, ये अलग संगठन हो गया। ये मान लीजिए नमक का व्यापार कर रहे हैं, ये अलग संगठन हो गया। तो ये क्या है, अलग अलग श्रेणियां बन गई। इसी तरीके से इनका नामकरण होता था। जो श्रेणी है उसके प्रमुख को बोला जाता था श्रेष्ठिन या जेथक। ठीक है, और जब ये लोग व्यापार करते थे एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, तो उसका जो प्रमुख होता था, यानी व्यापारिक समूह का जो प्रमुख होता था उसको बोला जाता था सार्थवाह। ये बेड़े का प्रमुख होता था जो दूसरी जगह व्यापार करने के लिए जाता था। अब अगर जो श्रेणी है उसके कार्यों को देखा जाए तो ये एक तो सिक्का डालने का कार्य करती थी, यानी अपने नाम से ये सिक्का डाल करके व्यापार वाणिज्य कर सकते थे। दूसरा, ये लोग ब्याज के ऊपर धन देने का कार्य करते थे, यानी ब्याज पर धन देकर के किसी दूसरे के व्यापार में सहायता करना या फिर
रुपया देकर के उससे ज्यादा पैसा कमाना, ये कार्य भी ये लोग करते थे, बैंक का कार्य भी करते थे। तो ये भी एक अच्छी महत्वपूर्ण कार्य है ये भी अपने आप में। बैंक क्या करते हैं ना कि जो हमारी हमारा व्यवसाय है या हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको सहायता देकर के धन मुहैया करा करके गति देने का कार्य करते हैं। तो उस समय अगर ऐसी परिस्थितियां या फिर ऐसी विशेषता हमें देखने को मिल रही है तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो श्रेणियों के काम हमने देखे, सिक्का डालने का काम, ब्याज पर धन देने का काम और बैंक का कार्य लोग करते थे। ठीक है, तो ये जो विशेषता हमें देखने को मिलती है श्रेणी संगठन की, तो इसने क्या किया, द्वितीय नगरीकरण के विकास में या महाजनपद काल के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या उस समय की जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनको गति देने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। अब हम देखते हैं थोड़ा सिक्कों के बारे में। तो नंबर दो के ऊपर हम देखते हैं सिक्के। ये जो सिक्के हैं इनको अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी में न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, जो एक तरीके से बोला जाए तो मुद्रा शास्त्र जो होता है उसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, अंग्रेजी में इसको न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है। सबसे पहले अगर सिक्कों की बात करें तो जो सिक्के हैं इस समय इनका विकास हो रहा है पांचवीं शताब्दी के आसपास, पांचवीं शताब्दी के आसपास सिक्कों का निर्माण, सिक्कों का निर्माण। ठीक है, ये जो सिक्के हैं ये एक प्रकार से आहत सिक्के हैं, आहत सिक्के हैं और चांदी तथा तांबे से निर्मित हैं, चांदी तथा तांबे से निर्मित हैं। इनको आहत इसलिए बोला जा रहा है या पंचमार्क भी बोला जाता है, इनको पंचमार्क सिक्के बोला जाता है। कारण क्या है, क्योंकि इनके ऊपर हाथी, पीपल, मयूर, बरगद यानी बहुत सारी चीजों के चिन्ह इनके ऊपर उकेर दिए जाते थे, कोई पेड़ और अन्य पेड़, मछली आदि की आकृति उकेर दी जाती थी, उकेर दी जाती थी। यानी जो आज सिक्के हैं उनको पंचमार्क सिक्के बोला जाता था अंग्रेजी के अंदर, और पंचमार्क सिक्के बोलने का कारण क्या है कि अलग अलग प्रकार के चिन्ह या आकृति उनके ऊपर ठप्पा मार करके उकेर दी जाती थी, और उसी कारण से इनको क्या बोला जा रहा है, पंचमार्क सिक्के। अब अगर बात करें एक यहां इस समय की खास विशेषता यह है कि इस समय सोने के सिक्के नहीं है, सोने के सिक्के नहीं प्राप्त हुए या नहीं बने थे। ठीक है, तो कभी एग्जाम में पूछ ले कि पांचवी शताब्दी के आसपास या पंचमार्क सिक्के सोने के निर्मित थे, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ चांदी और तांबे के निर्मित थे। और चांदी का जो सिक्का है उसका जो वजन है वो चांदी के सिक्के का वजन होता था 180 ग्रेन और तांबे का जो सिक्का है उसका होता था 146 ग्रेन। ठीक है, ये इनका
मतलब भजन, अगर भजन की बात करें तो अब जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें हमें सिखों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथों में, हमें सिखों के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में जो सिक्के हैं उनको कहीं पर कहापण कहा गया है, कहापण या काशारपण कहा गया है, काशारपण या कहापण बौद्ध ग्रंथों में सिक्कों को कहा गया है। और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में बहुत से सिक्कों की निधियां प्राप्त हुई हैं, यानी उत्तर प्रदेश में जैसे जो प्राचीन कालीन जो आहत सिक्के थे उनके बारे में अगर कहीं प्राप्ति हुई है तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हुई है। उत्तर प्रदेश में खास करके मगध में, मगध बिहार के अंतर्गत और उत्तर प्रदेश और एक जगह और है तक्षशिला, इन तीन जगहों के ऊपर जो प्राचीन कालीन सिक्के हैं या आज सिक्के हैं उनकी प्राप्ति हुई है। तो यहां पर हम लोग देख रहे थे सिक्कों के बारे में, और सिक्कों के अंतर्गत हमने देखा कि इनको अंग्रेजी में बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत अगर हम इनका अध्ययन करते हैं तो इसको न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है। सबसे पहले जो सिक्के हमें प्राप्त हो रहे हैं प्राचीन काल में तो वो समय है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और इस समय जो हमें सिक्के प्राप्त हो रहे हैं वो हैं आहत सिक्के, ठीक है। ये चांदी के बने होते थे और तांबे के बने होते थे। चांदी का जो सिक्का हमें प्राप्त हुआ है वो 180 ग्रेन का है, और तांबे से निर्मित जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो हैं 146 ग्रेन के। इन सिक्कों को पंच मार्क सिक्के भी बोला जाता था। पंच मार्क सिक्के बोलने का कारण क्या है कि इनके ऊपर हाथी, पीपल, मयूर, बरगद, पेड़, मछली आदि की आकृतियां उकेर दी जाती थी, यानी पंच मार करके इनके ऊपर अलग अलग प्रकार की आकृतियां उकेर दी जाती थी, ठीक है। जो जानकारी सिक्कों के बारे में मिलती है वो खास करके बौद्ध ग्रंथों से मिलती है, और बौद्ध ग्रंथों में जो सिक्के हैं उनको कहापण या काशारपण कहा गया है, ठीक है। और इस समय हमें सोने के सिक्के बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ चांदी और तांबे के सिक्के मिल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश, मगध और तक्षशिला तीन जगह से हमें इस समय के जो सिक्के हैं उनकी निधियां प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी जो सिक्कों से संबंधित या आहत सिक्कों से संबंधित जानकारी जो हमें प्राप्त हो रही है द्वितीय नगरीकरण के आसपास या 6वीं शताब्दी के आसपास, जो नगरीकरण के या महाजनपद काल के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम देखते हैं इस समय जो व्यापार वाणिज्य है उसकी क्या विशेषता है, या किस तरह का व्यापार वाणिज्य इस समय फलता फूलता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। व्यापार वाणिज्य, ठीक है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास होता यह है कि बड़े स्तर के ऊपर व्यापार वाणिज्य आधारित गतिविधियां विकसित होती हैं, और होता क्या है कि एक तो नगरों का विकास हो रहा है, दूसरा सिक्कों का प्रचलन हो रहा है,
और कृषि आदि शेष प्राप्त हो रहा है, इस कारण से क्या होगा कि छठी शताब्दी या पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास व्यापारिक गतिविधियां काफी बड़े स्तर के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और इसको गति देने में कुछ शहर हैं उस समय के या कुछ नगर जो उस समय विकसित हुए थे उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इन शहरों की अगर बात करें तो जैसे कंबोज है, तक्षशिला है, बनारस है, कौशल है, श्रावस्ती है, कौशाम्बी है, ये उस समय के महत्वपूर्ण नगर थे जो द्वितीय नगरीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या उस समय की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनको फलीभूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अगर देखा जाए तो होता यह है कि जैसे अगर हम मानचित्र के हिसाब से देखें तो होता है कि जैसे मान लीजिए यहां पर कंबोज है, यहां से एक रूट इधर जाता है और एक इस तरफ जाता है, तो यहां पर एक बंदरगाह है ब्रगुकच और एक और है सोपारा। तो जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट यहां पर हमें ब्रगुकच या बढ़ोच और सोपारा दो महत्वपूर्ण बंदरगाह मिलते हैं। और ये इधर की तरफ देखें अगर पूर्वी तट की बात करें तो यहां हमें दिखता है ताम्रलिप्ति, और इधर जैसे मान लीजिए कंबोज है, तक्षशिला है, ये यहां पर बनारस है, श्रावस्ती है, कौशाम्बी है। तो होता क्या है कि इस समय एक तो जो भृगुकच और सोपारा जो बंदरगाह है और ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है, ये तो क्या करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसको गति देने का कार्य करते हैं, ठीक है। और जो ये स्थल मार्ग वाले व्यापारिक रूट हैं, ये क्या करते हैं कि स्थल मार्ग से जो व्यापार होता है उसको गति देने का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंबोज है, यहां पर यहां के घोड़े काफी प्रसिद्ध थे, तो ये घोड़े यहां से खरीद करके इधर ला करके बनारस और जो कौशाम्बी श्रावस्ती का क्षेत्र है वहां पर बेचे जाते थे, ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए कि बनारस, कौशाम्बी, श्रावस्ती या गंगा के मध्य गंगा के मैदानों में कोई चीज प्राप्त हो रही है या अधिशेष उत्पादन हो रहा है तो उसको बंदरगाहों के माध्यम से दूसरे देशों में भेज करके व्यापार वाणिज्य किया जाता था। ये जो व्यापारिक हलचल हमें दिखाई दे रही है इस समय, व्यापारिक गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो जातक कथाओं और उस समय के जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथों में मिलती है, ठीक है। यानी जातक कथाओं में हमें जो द्वितीय नगरीकरण के समय व्यापार वाणिज्य फलीभूत हो रहा था उसके बारे में जानकारी मिलती है। एक और पुस्तक है, बौद्ध पुस्तक है बावेरु जातक। तो ये जो बावेरु जातक है
इसमें भारत से या इस तरीके से कहें कि बनारस से जो दूसरे देशों में या मध्य एशिया की तरफ जो व्यापार होता था, यानी बनारस से जो व्यापार मध्य एशिया की तरफ हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें कहा गया है बावेरी जातक में कि बनारस से मोर एवं कोए मध्य एशिया को भेजे जाने की जानकारी मिलती है, यानी यहां से जो एक्सपोर्ट चीजें होती थी उसके बारे में जानकारी बावेरी जातक के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। और जो व्यापारी हैं इस समय के, उनका व्यापार वाणिज्य काफी व्यवस्थित था, तो जो राजा होता था वो क्या करता था, इनसे कर वसूलता था और कर वसूलने के बदले में इनको सड़क मार्ग मुहैया कराना या फिर सुरक्षा आदि मुहैया करने का कार्य करता था। तो यहां पर हमने देखा इस समय का या जो द्वितीय नगरीकरण हो रहा है उस समय के व्यापार वाणिज्य का, तो यहां पर हमने देखा कि इस समय नगरों का विकास हो रहा है, सिक्कों का प्रचलन हो रहा है, कृषि अधिशेष हमें प्राप्त हो रहा है इस समय, और इन तीनों चीजों की बदौलत या इन चीजों से क्या हो रहा है कि इस समय बहुत सारे जैसे कंबोज, तक्षशिला, बनारस, कोसल, श्रावस्ती, कौसाम्बी, ऐसे कई नगर विकसित हो रहे हैं। और इन नगरों के अंतर्गत क्या है कि व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही हैं या विकसित हो रही हैं। और इन व्यापारिक गतिविधियों के अंतर्गत देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व जो आंतरिक व्यापार है, आंतरिक व्यापार दोनों फलीभूत हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो व्यापार है वो कंबोज से होकर के इधर ताम्रलिप्ति की तरफ भी आता था और एक कौसाम्बी से होकर के भृगुकच्छ की तरफ भी रास्ता जाता था, यानी भारत का जो आंतरिक भाग है उसमें भी व्यापार लगातार बढ़ रहा है। और जो बाहरी क्षेत्र हैं खास करके मध्य एशिया वगैरह, वहां भी द्वितीय नगरीकरण के समय व्यापारिक संपर्क किया जा रहा है या व्यापार का कार्य है, व्यापारिक कार्य है वो किया जा रहा है। अब हम इन विशेषताओं को देखने के बाद या ये जो सिनेरियो हम इस समय का देख रहे हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि जो महाजन पद काल है उसके अंतर्गत जो 16 महाजनपद विकसित होते हैं उनके बारे में, कौन कौन से महाजनपद हैं, उनकी राजधानी क्या थी, उनकी अवस्थिति कहाँ पर है, मुख्य चीजें वहां पर क्या मिल रही हैं, कौन वहां का शासक था, प्रसिद्ध जो शासक हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो इस चीज को हम विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा बिंदु है 16 महाजनपद, ये द्वितीय नगरीकरण की विशेषता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो 16 जनपद हमें मिल रहे हैं महाजनपद, वो मिल कहां से रहे हैं या हमें इनके बारे में जानकारी कहां से मिल रही है उसको देखते हैं। हमारे पास में दो ग्रंथ हैं जिनसे ये जानकारी मिलती है। एक तो है बोध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और दूसरा है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय और
भगवती सूत्र नामक दो ग्रंथ हमारे पास में हैं, जिनसे द्वितीय नगरीकरण के बारे में जानकारी मिलती है। हो क्या रहा है कि उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की जानकारी होती है, लोहे की जानकारी होती है, और इस लोहे की जानकारी की बदौलत होता क्या है कि जो कृषि औजार हैं और जो अस्त्र शस्त्र हैं, कृषि औजार और अस्त्र शस्त्र अब मजबूत बनने लगे। ठीक है, कृषि औजार जब मजबूत बने लगे तो क्या होगा कि एक तो जंगलों की सफाई होगी, जंगलों की सफाई यानी कहने का मतलब जो गंगा के मैदान हैं उनकी सफाई होगी, और दूसरा कृषि कार्य में जो हल प्रयोग किया जाता है, कृषि कार्य में हल लोहे का बनने लगेगा। तथा अन्य जो कृषि यंत्र हैं वो भी लोहे के बनने लगेंगे। ठीक है, यानी उत्तर वैदिक काल में हमारे सामने सिचुएशन क्या हो रही है कि अब हमें 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की जानकारी होती है, और लोहे की जानकारी होने से क्या होगा कि हमारे जो औजार हैं यानी उस समय के जो औजार हैं वो भी अब मजबूत बनने लग जाएंगे, और कृषि के जो यंत्र हैं वो भी मजबूत होने लग जाएंगे। अब जो उत्तर वैदिक कालीन लोग हैं वो क्या करेंगे कि इन लोहे के यंत्रों से जो गंगा का मैदानी भाग है उसको साफ करने लग जाएंगे और कृषि कार्य करने के ऊपर ज्यादा जोर देने लग जाएंगे। और इससे क्या होगा, अब लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इन कार्यों से होगा क्या कि कृषि अधिशेष की प्राप्ति होने लग जाएगी, कृषि अधिशेष की प्राप्ति होने लगेगी। कृषि अधिशेष की प्राप्ति होने लगेगी तो इससे क्या होगा कि अब व्यापार वाणिज्य बढ़ने लग जाएगा, और व्यापार वाणिज्य बढ़ने लग जाएगा तो फिर नगरीकरण का विकास अवश्य होगा। यानी मजबूत यंत्र बनने लग गए, कृषि के औजार मजबूत बनने लग गए, उससे हमें कृषि का अधिशेष प्राप्त होने लग गया। कृषि अधिशेष प्राप्त होने से क्या हो रहा है कि व्यापार वाणिज्य को गति मिल रही है, नगरों को गति मिल रही है, और ऐसे में जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास द्वितीय नगरीकरण का विकास हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम देखते हैं कि इन परिस्थितियों के बदौलत जो नगरीकरण होता है उसमें जो 16 महाजनपद उभर करके आते हैं या 16 महाजनपदों का जो विकास होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक हमें जो ये जानकारी मिल रही है वो बेसिकली मिल रही है बोध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बारी बारी से 16 महाजनपदों को, 16 थ्रू इनको समझने का प्रयास करते हैं।
ये हमारा मानचित्र हो गया। और इसमें हम देखते हैं जो अलग अलग 16 महाजनपद हैं उनकी अवस्थिति देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो जनपद है वो है नंबर 1 का और ये है अंग। नंबर 1 है अंग। इस अंग जनपद की अगर हम बात करें तो ये बिहार के अंतर्गत था। बिहार में स्थित था। अभी के जो मुंगेर व भागलपुर, मुंगेर और भागलपुर जिले हैं, में इसकी अवस्थिति थी। इसकी अवस्थिति थी। ये अंग जनपद है। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी थी इसकी चंपा। ठीक है। अंग जनपद व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था, खास करके हाथियों के लिए। व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत यहां पर प्रसिद्ध क्या था? हाथी। यानी यहां पर हाथियों की प्राप्ति होती थी, जो युद्ध के अंदर भी काम आते थे, सामान वगैरह लाद करके ले जाने में भी काम आते थे। हाथी दांत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण थे। तो अंग के अंदर ये चीजें काफी प्रसिद्ध थी। यहां का एक शासक है, अंग का शासक था ब्रह्मदत्त। ये ब्रह्मदत्त क्या करता है कि मगध, और मगध कहां पर है? इस अंग के जस्ट बराबर में। ठीक है। मगध के शासक भट्टीय, भट्टीय नामक मगध का शासक था, को पराजित कर देता है। भट्टीय नामक शासक है, उसको पराजित कर देता है। और कुछ जो उसका हिस्सा है, साम्राज्य का हिस्सा है, उसको अपने अंतर्गत कर लेता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि मगध के शासक हैं बिंबिसार। बिंबिसार जो अंग महाजनपद है उसको अपने साम्राज्य में, अंग को मगध साम्राज्य में मिला लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है। तो ये था अंग के बारे में कहानी। अंग को दोबारा से देखते हैं। अंग की अगर अवस्थिति के बारे में देखें तो जो पूर्वी बिहार का हिस्सा है, बंगाल से सटा हुआ, वहां पर अंग जनपद था। इसकी राजधानी थी चंपा। बिहार में इसकी स्थिति है। अभी के जो मुंगेर और भागलपुर जो जिले हैं उसमें ये स्थित था। व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। हाथी और अन्य कई महत्वपूर्ण चीजें यहां से प्राप्त होती थी। यहां का शासक है ब्रह्मदत्त। इसने क्या किया? मगध के शासक भट्टीय, भट्टीय नामक मगध के शासक को पराजित किया और कुछ हिस्सा मगध के साम्राज्य का कुछ हिस्सा अपने अंतर्गत मिला लेता है। लेकिन बाद में एक शक्तिशाली शासक आता है बिंबिसार। और ये बिंबिसार क्या है? अंग जनपद को पराजित करके और मगध साम्राज्य के अंतर्गत मिला लेता है। और इस तरीके से जो साम्राज्य है वो अंग जनपद है वो मगध साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है बिंबिसार के समय में। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जो अगला जनपद है उसके बारे में।
अगले जनपद की अगर बात करें तो अगला जनपद है मगध। ठीक है, ये मगध है, इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो मगध की स्थिति है अभी के जो पटना, अभी का जो पटना जिला है उसके आसपास, और बिहार का जो गया जिला है, सावा जिला है, वहां पर मगध साम्राज्य की स्थिति थी या अवस्थिति थी। और जो पाली ग्रंथ हैं, पाली ग्रंथ उसमें इसकी राजधानी बताई गई है राजगीर या गिरिवर्ज। ठीक है, तो यहां पर अंग के जस्ट बराबर में बिहार के अंतर्गत जो पटना, गया और सावा जिले हैं वहां पर मगध साम्राज्य की अवस्थिति थी। पाली ग्रंथों में इसकी राजधानी है वो राजगीर बताई गई है। बाद में क्या होता है कि द्वितीय नगरीकरण के बाद में जो मगध साम्राज्य है वो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरता है। वहां पर हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य साम्राज्य, बाद में गुप्त काल, यानी काफी शक्तिशाली साम्राज्यों का विकास होता है। और भारत में ही नहीं बल्कि मध्य एशिया तक चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त, मौर्य, अशोक आदि के समय ये अपनी छाप छोड़ता है या अपने शासन प्रशासन के कारण विश्व में प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो ये थी मगध की कहानी। अब हम देखते हैं जो अगला जनपद है उसके बारे में, और ये अगला जनपद है वज्जी। अगर इसकी अवस्थिति के बारे में देखें तो जो वज्जी जनपद है उसको हम थोड़ा मानचित्र के हिसाब से देखते हैं। पहले वज्जी संघ या वज्जी जनपद, ये गंगा के, जैसे मान लीजिए ये गंगा है तो इसके उत्तर उत्तर में स्थित था, गंगा के उत्तर में स्थित एक तिरहुत मंडल है, तिरहुत मंडल में इसकी स्थिति थी, गंगा के उत्तर में वज्जी संघ की, या जो तराई वाला भाग है यहां पर इसको हम कह सकते हैं, यानी मध्य गंगा के उत्तर में इसकी अवस्थिति मानी जाती है। और ये जो वज्जी संघ है, वज्जी संघ ये आठ संघों से मिलकर बना था, आठ संघों से मिलकर बना था, यानी इसमें आठ गण कह सकते हैं या संघ कह सकते हैं जिनसे मिलकर के ये बना था। और इन आठ गणों के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण गण थे जो है विदे, वज्जी व लिच्छवी। विदे, वज्जी व लिच्छवी ये काफी महत्वपूर्ण थे, जो वज्जी संघ है उसमें इन तीन की काफी महत्वपूर्ण स्थिति थी। एक है विदेह, दूसरा है वज्जी और तीसरा है लिच्छवी। और ये जो लिच्छवी है इनकी राजधानी थी वैशाली, इनकी राजधानी थी वैशाली। और अगर वैशाली की बात करें आधुनिक क्षेत्र के बारे में तो एक जगह है बसाड़, अभी की जो बसाड़ जगह है उसको वैशाली के तौर के ऊपर देखा जाता है, यानी जो बसाड़, अभी का जो बसाड़ है वो उस समय का वैशाली
माना जाता था। तो इस तरीके से हमने वज्जी के बारे में देखा, वज्जी की हमने बात की, तो इसमें हमने महत्वपूर्ण देखा कि इसकी जो अवस्थिति है वो गंगा के उत्तरी क्षेत्र में है, जो तिरुवत मंडल है वहां पर। वज्जी संघ में 8 संघ थे या गण थे, कुल भी बोल सकते हैं, 8 कुलों से मिलकर ये बना था, जिसमें 3 महत्वपूर्ण थे, विदे, वज्जी व लिच्छवी। और लिच्छवी इसमें महत्वपूर्ण थे, जिनकी राजधानी थी वैशाली, जो आधुनिक बसाड़ है वहां पर बसा हुआ था। ठीक है, तो ये थी हमारी वज्जी के बारे में जानकारी। आगे हम देखते हैं जो अगला है वो है काशी। काशी जनपद की अगर हम बात करें, काशी जनपद की, तो काशी की अवस्थिति है यहां पर, यानी जैसे मान लीजिए पटना है, तो पटना से थोड़ा पहले अगर हम देखें तो ये है जो हमारा काशी का है, यानी इधर इलाहाबाद हो गया, इधर पटना हो गया, दोनों के बीच में है काशी। काशी जनपद की बात करें तो इसकी जो राजधानी है, राजधानी वो है बनारस, यानी काशी की राजधानी बनारस थी। और यहां पर एक शासक था जो काफी शक्तिशाली था, शक्तिशाली शासक था यहां का, ब्रह्मदत्त, यानी काशी की राजधानी की अगर बात करें तो वो बनारस है, और यहां का एक शासक था, शक्तिशाली शासक है, वो है ब्रह्मदत्त। ये ब्रह्मदत्त क्या करता है कि इसने जो कोसल जनपद था, कोसल पर विजय प्राप्त की, कोसल पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, ब्रह्मदत्त काशी का शक्तिशाली शासक है और इसने क्या किया था, कोसल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। लेकिन बाद में क्या होता है, कोसल के एक राजा थे कंस, बाद में कोसल के राजा कंस ने काशी को जीत करके, कोसल में मिला लिया। ठीक है, तो ये थी काशी से संबंधित जानकारी। काशी पुराना शहर था, पुराना महाजनपद है, और जो मध्य एशिया से व्यापार वाणिज्य होता था उस स्थल मार्ग पर के ऊपर और नदी मार्ग के ऊपर, दोनों के ऊपर ये बसा हुआ था, और इसकी अवस्थिति काफी महत्वपूर्ण थी, जो व्यापार वाणिज्य के लिए भी काफी योगदान देती महत्वपूर्ण थी। दोबारा से देखते हैं काशी के बारे में। हमने सबसे पहले काशी जनपद देखा और इसकी अवस्थिति देखी, अवस्थिति है इसकी इलाहाबाद और पटना के बीच वाला जो क्षेत्र है वहां पर काशी जनपद था, राजधानी है इसकी बनारस। ठीक है, और यहाँ का एक शक्तिशाली शासक था ब्रह्मदत्त, इसने क्या किया, कोसल पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त कर ली। फिर बाद में क्या होता है कि कोसल के राजा हैं कंस, इन्होंने क्या किया, काशी को जीत करके कोसल के अंतर्गत मिला लिया। तो ये थी काशी की कहानी, जो काशी महाजनपद है उसकी कहानी। अब हम देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण महाजनपद है उसके बारे में, और वो है कोसल। जनपद है कोसल, कोसल महाजनपद। ठीक है, तो थोड़ा मानचित्र के हिसाब से इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। ये मानचित्र के हिसाब से हम
कोसल जनपद है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो कोसल है ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में सहेत महेत नामक जगह है, वहां स्थित था। यानी अभी का जो सहेत महेत नामक उत्तर प्रदेश में जगह है या गांव है, वहां पर उस समय के कोसल महाजनपद की अवस्थिति थी। और इसका अगर इसकी अवस्थिति को अगर देखा जाए तो जो सरयू नदी है, यानी मान लीजिए यहां पर ये सरयू नदी है, तो ये इसको दो भागों में बांटती थी, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी कोसल और सॉरी उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल और यहां पर बीच में है सरयू नदी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में इसकी अवस्थिति है और एक नदी है सरयू नदी, जो कोसल महाजनपद है उसको दो भागों में बांटती थी, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल है, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, और जो दक्षिणी कोसल है इसकी राजधानी थी कुसावती। और यहां पर एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं जिनका नाम है प्रसेनजीत। ये बुद्ध के समकालीन थे।